हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने माइक्रोस्कोप स्टडी किया था, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप स्टडी किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी किया था, उसका मैग्निफिकेशन स्टडी किया था, उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल हम लोगों ने स्टडी किया था। अब हम डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप के विषय में कि टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके डिफरेंट प्रिंसिपल क्या है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व अ वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली, मींस एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम एक फार ऑफ ऑब्जेक्ट को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। टेली मीन्स दूर, स्कोप मतलब देखना, मीन्स दूर की चीज को देखने के लिए। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम दूर की चीज को देखने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। इट इज अप टू टाइप, ये टू टाइप की होती है। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं, जिसका यूज हम स्काई या हेवनली बॉडी को देखने के लिए करते हैं, जिसका यूज हम स्काई या हेवनली बॉडी को देखने के लिए करते हैं। अगला है रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप, इसका दूसरा नाम कैसल ग्रेडिएंट टेलीस्कोप है, इसमें हम मिरर का यूज करते हैं, जो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज हम किसी हेवनली बॉडी को देखने के लिए करते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए करते हैं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व क्लियर इमेज ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक मून स्टार एटीसी इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मींस वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम किसी हेवनली बॉडी के क्लियर इमेज को देखने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, आइए देखें। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस, इसमें एक लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। इसमें एक लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक। एंड ऑब्जेक्टिव कन्वर्जिंग लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, एक लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का एक ऑब्जेक्टिव कन्वर्जिंग लेंस हम यूज करते हैं। अब इसका रीजन क्या है? ड्यू टू लार्ज फोकल लेंथ मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज, अगर फोकल लेंथ लार्ज होगी तो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू लार्ज अपर्चर, अपर्चर के लार्ज होने से रिजल्टिंग पावर इंक्रीज हो जाती है और ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इंक्रीज हो जाता है। दो रीजन, एक तो फोकल लेंथ लार्ज होने से मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो जाती है, दूसरे अपर्चर लार्ज होने से रिजल्टिंग पावर बढ़ जाती है और ब्राइटनेस ऑफ इमेज बढ़ जाती है। रिजल्टिंग पावर क्या है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि दो पास पास रखी हुई ऑब्जेक्ट के इमेज को क्लियरली सेपरेट बनाने की फिनोमेना को हम रिजल्टिंग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्टिंग पावर बोलते हैं। आइए देखें, सेकंड ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकंड क्या यूज किया जाता है? ये आई लेंस होता है। आई लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड अपर्चर, एक आई लेंस यूज किया जाता है जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ होती है और अपर्चर भी स्मॉल होता है। एक आई लेंस यूज किया जाता है जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है, इसका अपर्चर भी स्मॉल होता है। बोथ लेंसेज आर माउंटेड कोएक्सियली एट द एंड ऑफ द ट्यूब, दोनों लेंस को एक ट्यूब के एंड पर जो है माउंटेड कर दिया जाता है, दोनों लेंस को एक ट्यूब के एंड पर माउंटेड कर दिया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज कैन बी एडजस्टेड, दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको एडजस्ट किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। रे डायग्राम, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, जिसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या? फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पर होता है तो इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर होता है जिसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, तब देखिए इसका रे डायग्राम डिस्कस करें। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ से पैरेलल लाइट रे चल रही है, ये लाइट रे आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये लाइट रे आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है।
ये आकर के लेंस पर इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद ये लेंस इनको रिफ्रैक्ट करके यहाँ पर लाकर फोकस करता है। ये ए डैश बी डैश इसका फोकस है, पैरेलल आने वाली लाइट डैश फोकस पर आके फोकस होती है। यहाँ पर ए डैश बी डैश इमेज बनता है। ये ए डैश बी डैश इमेज जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ पर बनता है या फोकल पॉइंट पर बनता है। ये ए डैश बी डैश आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो कि आई लेंस के फोकल लेंथ पर ये बन रहा है। तो आई लेंस यहाँ से चलने वाली लाइट रे आई लेंस में इंसिडेंट होती है, इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पैरेलल होती है। तो फाइनल इमेज इंफिनिटी में बनता है, फाइनल इमेज इंफिनिटी में बनता है। तो फाइनल इमेज ए डैश बी डैश के रेस्पेक्ट में आपका इरेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ए बी के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड होता है। ये ए डैश बी डैश ये आई लेंस के फोकस पर इमेज बन रहा है, जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसका फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रहा है। ओके, ये अपना क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये पी क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है। ये क्या है, ट्यूब लेंथ है। द फाइनल इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश एंड इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ए बी। फाइनल इमेज जो इंफिनिटी पर बनेगा ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में इरेक्ट होगा, लेकिन ए बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इसलिए मैग्निफिकेशन में माइनस लगेगा। ओके, फिर से सुन लीजिए, यहाँ से पैरेलल इंफिनिटी पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई स्टार है, कोई मून है, वहाँ से चलने वाली पैरेलल लाइट रे जो कि आपस में पैरेलल है, ऑब्जेक्टिव लेंस पर आके इंसिडेंट होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस इनको ला करके ये अपना फोकस पर फोकस करता है। ये ए डैश बी डैश जो इमेज बनता है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। आई लेंस जो है इनका फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनाता है। इन्फिनिटी जो इमेज बनता है वो आपका इन्वर्टेड होता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ओके, ये आपके डिस्टेंस एफ ई है, ये डिस्टेंस एफ ई है, ये एफ नॉट है। तो ट्यूब लेंथ हो जाएगी एफ नॉट प्लस एफ ई, ट्यूब लेंथ हो जाएगी इसकी, ट्यूब लेंथ हो जाएगी ये अपना प्लस एफ ई के इक्वल हो जाएगा। ओके, आगे मैग्नीफाइंग पावर हम देखेंगे। मैग्नीफाइंग पावर की डिफिनेशन है, कैसे क्या डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली व्हेन बोथ लाइट एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द आई इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। मतलब क्या हुआ कि फाइनल इमेज के द्वारा आई पर बना हुआ एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बना हुआ एंगल जब दोनों के दोनों इंफिनिटी पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर एट इंफिनिटी। ओके, अब m इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। आइए बीटा देखें, बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा के लिए हम ट्रायंगल ले लें ई ए डैश बी डैश, ई ए डैश बी डैश, टेन बीटा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ई एफ नॉट आ जाएगा, ई बी डैश आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई, ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन बेस हो जाएगा ई बी डैश, तो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश आ जाएगा। इफ बीटा इज स्मॉल, अगर बीटा स्मॉल होगा तो टेन बीटा इक्वल टू क्या होता है बीटा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, इफ ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश आ जाएगा। अब अगर हम दूसरा ट्रायंगल ले लें, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए डैश बी डैश ओ है, ए डैश बी डैश ओ है, तो टेन अल्फा हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए डैश बी डैश, बेस कितना हो जाएगा ओ बी डैश, ये आपका टेन अल्फा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। अल्फा अगर स्मॉल होगा तो टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। अब एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा ओ ए डैश अपॉन ई बी डैश, ओ ए डैश अपॉन ई बी डैश, ओ ए डैश देखिए कितना है, ओ ए डैश ये फोकल लेंथ है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो कितना होगा प्लस एफ नॉट, ये हो जाएगा प्लस एफ नॉट। और आपका ये ई बी डैश क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ है आई पीस की, ये हो जाएगा माइनस एफ ई, ये हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, या एम इक्वल टू फोर फी, एम इक्वल टू फोर फी, फोर क्या है
ये फोकल लेंथ है आई पीस की। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनेगा। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनेगा। और अगर टीम लेंथ हम बात करेंगे तो ये इक्वल टू होता है एफ नॉट प्लस एफ पी, ये इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट प्लस एफ पी, ये ट्यूब लेंथ हो जाएगी। ओके, तो ये रहा आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी मैग्नीफाइंग पावर। ये कब है? जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में बढ़ रहा है। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में बनेगा या नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा तो मैग्नीफाइंग पावर होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की या वो अपान माइनस एफ ई, और ट्यूब लेंथ होती है या वो प्लस एफ ई। दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस को ट्यूब लेंथ बोलते हैं, इसको यंग से डिनोट करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में ना बन रहा हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पर बन रहा हो, तब हम मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे। सेकंड केस ये है कि जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर ना बन रहा हो, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पर बन रहा हो, तब मैग्नीफिकेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके,